अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं ये दो बार पहले ना फिर आगे चलेंगे, फिर हम लोग जाएंगे टॉप 10 तक। फिर आगे हम लोग एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले और यहाँ पे बादल देखे कैसे बने हुए, बहुत ही ज्यादा बादल बने हुए। ये देखें अभी हम लोग ना बिल्कुल ही बादलों में आ चुके हैं, जैसे बबल्स बने होते ना वैसे, और आगे किसी किसी जगह पर बिल्कुल बड़े बड़े बने हुए। ये एक मतलब जबरदस्त नज़ारा है, ऐसे मैंने कभी नहीं, ऐसा लगता जैसे पहाड़ बने हुए ना वैसे। ये देखो नीचे सारे बादल हैं, कुछ दिखाई दे रहा नहीं है, लैंडिंग यहीं पर करनी है। उस सामने देखो फुटबॉल बने जैसे ना पहाड़ियाँ होती हैं, लेकिन ये सारे बादल है भाई ऊपर ऊपर देखो धूप है, नीचे की तरफ ही जो है ये देखो गाइस सामने देखो, अरे भाई वो देखो सामने जो ना बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं, लेकिन जूम मारता हूँ वीडियो फट जाती है। बिल्कुल बादलों में ही चला गया मुझे लगता है, अभी ऐसा लगता है जैसे बर्फ में आ गया हमने। तो जी तो अभी जो ना बिल्कुल ही जो ना मतलब बादलों के अंदर है, मतलब ना ऊपर नीचे बिल्कुल क्रॉस करते हुए जैसे स्मोक धुएँ को क्रॉस करते हैं वैसे ही लग रहा है, वो हमारे सर पे है जैसे बोले आज मैं वही। ये देखो अबे भाई साहब यहाँ पे दिखता ही कुछ नहीं है, कैसे नीचे जाएंगे अल्लाह भाई साहब, ये क्या हो गया यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। ये देखो गाइस कुछ ही नहीं दिख रहा, कैसे नीचे जाएंगे, शायद मैप होता तो उसके जरिए जाएंगे। तो अभी जो है घर वगैरह दिखना शुरू हो चुके हैं, देखें कुछ इस तरह से, तो बस मेरे ख्याल से अभी 2 से 5 मिनट में हमारी लैंडिंग होने वाली है, या यही है मेरे ख्याल से एयरपोर्ट यहाँ पे हम लोग होते हैं नीचे आ गए, यही है यही। तो अभी अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह करे सही सलामत उतर जाए। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए भाई बंदे को, अस्तगफिरुल्लाह हाँ बस उतर जाए भाई, शुक्र है अल्लाह। ये तो वेलकम हो गया मदीना में, और अभी आगे चलते हैं और देखते कैसे है ना। हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ, और अभी आपका वेलकम हो गया मदीना के एयरपोर्ट पर। चले भाई तो शुक्र है कि अभी हम यहाँ पर पहुँच गए, और अभी आगे चलेंगे पासपोर्ट वगैरह चेक करेंगे, उसके बाद हम बाहर चलेंगे। और यहाँ पर ना मेरी यूफोन की सिम चल गई, तो उससे मैंने कॉल भी कर लिया सबको। तो अभी मैं इधर खड़ा हूँ बैग के इंतजार, लेकिन अभी तक नहीं आया, काफ़ी देर हो गया, लेकिन आधा घंटा होने वाले पता नहीं कल आएगा मेरे ख्याल से। बैग वहाँ पर देख रहे हो, बैग जो ना सारे यहाँ पर उतरे हुए हैं। चलें ठीक है, अभी मुझे किसी ने बोला कि वहाँ पर जाके चेक करो, वहाँ पर पड़े हुए, तो हमारा बैग जो ना यहाँ से मिल चुका है, और अभी हम निकलते हैं बाहर। अभी मैं जैसे निकलो ना, हाँ ये अभी मुझे बता रहे थे तुम वहीं जा रहा, मैं वीडियो बनाता ऐसे नहीं नहीं ये 2 बार पहले मिल चुके हैं भाई आप लोग को दिखाने, तीसरी बार यार तुम लोग के रंग काले काले लग रहे हैं ऐसे मनोज यार, वो तुम्हारा मुंह देखा ना इसीलिए। ये एयरपोर्ट देखो गाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मदीने का एयरपोर्ट है, और ये इसका दोस्त है, क्या नाम है, जफर। इधर बात सुनो, पता है क्या हुआ, काला क्यों देख रहा हूँ, जैसे हम ये चिपक गया सारा। ये पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत ही मुश्किल सफर गुजरा हमारा, पहली बार। क्यों, क्या हुआ भाई, वहाँ पे भी इमिग्रेशन, यहाँ पे भी इमिग्रेशन, और पता नहीं क्या से क्या। अरे यार वो लोग भी तो कोई सिगरेट ला रहे, कोई क्या कर रहे, कोई क्या, इस टेंशन। सिगरेट में नहीं, पूरी बॉडी का स्कैन कर रहे हैं, बोले कितनी गोलियां खाई है। एक बंदा बोलते हैं मुझे मेरी माँ की कदर ना, जब मैंने एक भी जाते जाते हुए मैं मर जाऊँ यहीं, तो मुझे जाना ही नहीं बोलता है यार, तो मैं मजाक कर रहा था वहीं पर, बोलते हैं जिसने खाया हो भूख खाया हो, आपने मुझे बोल के शर्मिंदा कर दिया, बहुत सीरियस हो गया, रोने लग गया। वाकई बोलते हैं मैं ऐसी जगह पे जाते हुए गोलियां खा के जाऊंगा, लानत है मुझे। नहीं, जिस दिन मैं उस 6:30 के बाद पहुंचा, वो बोले कितनी गोलियां खाई ये वो। चलो भाई अभी निकल रहे हैं भाई यहाँ से, शुक्र है कि भाई। तो अभी जो ना बाहर निकले हैं, और जो ना ये है कुछ यहाँ के मंजर, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई यहाँ पर पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह, इमिग्रेशन बहुत ज्यादा है भाई इस बार जो ना। चलें जी तो अभी जो ना बस आ गई, और बस पर हम लोग बैठेंगे, और बस पर बैठ के जो ना फिर आगे चलेंगे, फिर हम लोग जाएंगे टॉप 10 तक, फिर आगे से 10 रियाल की कोई टैक्सी वगैरह पकड़ेंगे, उसके ऊपर बैठ के आगे चलेंगे। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ,
बोलू मेरे दोस्त आ जाओ। चले गए सर, पिछले हम लोग बस में बैठ चुके हैं। बस बाकी फैंसी है, जबरदस्त है, बहुत अच्छी है। और जना बैग वगैरह हम यहाँ पर इसे खुद को नहीं पता, उधर झूठ बोल रहा है, यहाँ वहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। काम में यही करता हूँ भाई, बोलो। पहला दिन आए यहाँ पर और उन लोगों को समझा रहे हैं। अरे भाई पहली बार आपका व्लॉग स्टार्ट हो गया है। बोल रहे हैं कि ना आराम के पास जब हम लोग जाते हैं ना, वो इधर से तेरा मुंह ऐसा खतरनाक लग रहा है दिल पर, लेकिन चलो। हाँ नहीं, अभी ज्यादा खतरनाक है। ये देख इसने कैमरे की सेटिंग कैसी की हुई है, तुम्हें कुछ आता भी नहीं है। ये देखो गाइस, ये बाहर का इसका इधर इधर आना चाहिए क्या। फैमिली जना बस चल पड़ी है। और अच्छा, कल कौन आ रहा है, उसको भी बस पे लेने आएंगे। कल देखो, आज मैं हूं तो कल कोई और आएगा, किसी को भी लेने। तो गाइस ये जो सामने आपको जो पहाड़ दिख रहा है, ये है जबरे, और उधर सामने सिद्ध मीर हमजा, खैर वहां पर बाद में आएंगे, क्योंकि अब ये बस जो ना यहां से मुड़ के ना मुझे वापसी ले जाएगी हरम की तरफ। हरम से थोड़ा सा पीछे छोड़ेगी। कितनी टिकट है बस? 10 रियाल? 11.5 रियाल बेटा। नहीं, चलो 11.5 रियाल लगा लो, तो मतलब 11.5 रियाल में आपको ये जो ना आप आज का पिल्ला, ये कुछ ज्यादा बातें करते हैं, इसके ऊपर गौर नहीं करना। आज पैसे इतने भरे हुए बेचारा टड़ा पर, जितना भी रो रहा है आज। ये मुझे 100 भी बोले 200, क्योंकि मेरे को टिकट लेके देगा पाकिस्तान जाने के लिए। हाँ इतना चला लग रहा हूँ तुमको, जो इसको लेके दूंगा खुद नहीं चला जाता, मैं तो जाऊंगा। खैर भाई, ये बिल्ली को काफ छिछड़ूंगा, ये भी वही सोच रहा है। खैर कभी घर आगे चलते हैं, फिर आगे से क्या आगे क्या करना पड़ेगा, फिर टैक्सी पकड़नी पड़ेगी हमें। तो भाई टॉप 10 पे अभी हम लोग आ गए हैं, अभी बस भी यहीं पर रुकेगी, फिर आगे से टैक्सी पकड़ते हैं। ये क्या हुई, पिछली बार जब हम लोग गए थे यहाँ पर तो बिल्डिंग थी, ये सारी तोड़ दिया बस। ये देखो ये सारा मलबा बना दिया भाई इन्होंने, सारा नया कर रहे हैं। ओए यहाँ पर कितने लोगों के घर, यादें होंगी कितने सारे लोगों के, सारी तोड़ दी इन्होंने। चलें भाई अभी क्या करें, अभी टूटेंगे तो नहीं बनेंगे ना। सामने की तरफ वो देखें, यहाँ से मतलब हम सलाम करते हैं, तरीक सलाम बोलते हैं सामने, मतलब कुछ 5-10 मिनट अगर वॉक करें तो सामने हराम आ जाएगा। फिलहाल जो ना जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, किसके ऊपर फिलहाल जा रहा हूँ मैं, टैक्सी पर, तो फिर बाद में आऊँगा, तो यहाँ पर ना फिर हराम में आके सलाम भी पड़ेंगे। वैसे यहाँ से हम लोग अभी सलाम कर सकते हैं, अभी गाड़ी मिल चुकी है हमें 10 रियाल में, और आगे बैठ के आगे चलते हैं हम लोग। तो अभी मैं रुका हुआ था आवाज की शॉप पर, और यहाँ पर बैठा हूँ क्योंकि अभी चाची वाले आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, तो मैं बस उन्हीं का ही वेट कर रहा था। लास्ट टाइम जब मैं था उस दिन आपने इसकी दुकान देखी थी, अभी देखो कितनी भरी हुई है। तो खैर अभी बाद में आऊँगा, कल दिखाऊंगा, आज तो मुझे चला नहीं जा रहा यार, मैं 6-7 घंटे जो बैठा रहा ना उसमें मुझसे चला नहीं जा रहा। तो गैस अभी जो है मैं जा रहा हूँ अपने मतलब चाचा लोगों के साथ, चाचा आए थे, चाची हैं। और चाची कैसी है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज चाची बस बहुत लेट हो गए, बस ये है कि पहुंच गए थे, तो फिर बस अभी जो ना जा रहे हैं घर की तरफ, और इसको बोलते हैं ये कौन सी जगह, मस्जिद अंबरिया, हाँ नाम भूल गया यार, मस्जिद अंबरिया। और ये जो ना सामने दारुल हुकूमा जो ना हो गया, जो वो ही हो गए गवर्नर हाउस जो हो गया, ये वो वाला, और हमारा घर भी इधर पास में ही है, और साथ में अंकल है, तो फिर मैं आपको जो ना बाद में मिलता हूँ। बस फाइनली अभी जो ना मैं चाची लोगों के घर पे आके बैठा हूँ, तो बस अभी जो ना पानी वानी पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। क्योंकि अभी चाची ने पहले जूस लाए, मैंने बोला बस पानी दे देते, वही अच्छा था। खैर जूस पीते हैं। अभी यहाँ पे ना खाना लगाया जा रहा है, और यहाँ पे मतलब अभी हम लोग खाना खाते हैं, अभी समोसा भी है और जो दूसरी चीज़ें भी लगाई जा रही है। चलिए जी, तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आज की ट्रेन थी आपके साथ में शेयर की थी। और गैस बहुत थका हुआ था आज जो ना, बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से, मैं फर्स्ट टाइम इतना गंदे तरीके से आया हूँ इमिग्रेशन के तरीके, पता नहीं पाकिस्तान में ना असल में काफ़ी लोग ना स्मगलिंग बहुत करके आ रहे हैं, कोई पेट में गोलियाँ पता नहीं क्या सुनने में आया था बीच में, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी अलर्ट हुई है। जब मैं वहाँ से आया था मेरा बैग पूरा फाड़ दिया, मेरा नहीं मतलब जो भी मतलब कोई 25-30 लोगों का, लेडीज़ थी या जो भी थे भाई, वो उठ के कोई रियायत नहीं कर रहे थे, पूरा ऐसे ऐसे ना वो मतलब कोई भी चीज़ ना उसको मेरे बालों को यूं यूं करके सुन रहे थे, कोई रस रस नहीं छुपाई हुई बालों में भी, तो जितने भी लोग थे ना सबके साथ ऐसे ही कर रहे थे, लेडीज़ के साथ लेडीज़ पुलिस, और उधर भी पूरा बॉडी का स्कैन हर किसी का, मतलब बहुत ख्वारी करनी पड़ी। इतना मैंने पहले जब दिया था ना कभी ऐसा नहीं कर रहे थे, तो फिर यहाँ पर जब तो यहाँ पर तो उससे भी ज़्यादा, यहाँ पर तो मतलब जितने भी लोग थे ना सबको ही कह रहे थे
लेडीज को छोड़ के जो मर्द हजरत हैं, लेडीज को ना लेडीज बस सामान चेक करी थी जो एयरपोर्ट पे लेडीज पुलिस वाली होती है, बाकी जो मर्द थे उनको सबको फिर से वैसा, मतलब एक रूम में लेके जा रहे थे वहां पर सबको ना वो बॉडी स्कैन कर रहे थे। तो बस मेरे ख्याल जिनका वीजा था ना बस उन्हीं को छोड़े थे, बाकी जितने भी उम्रे पर लोग आते ना सबका बॉडी स्कैन और पता नहीं क्या थे क्या, मतलब बहुत ख्वार। इतना मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा कि भाई चेकिंग हो रही है। मैं एक टाइम पे तो हमें खुद को ऐसा लगने लग गया था कि भाई हम लोग जो ना जैसे ना समगल कर रहे हैं, कोई चीज जेब में डाल के लेके जा रहे हैं, मतलब ऐसा होता है ना कि भाई इतनी सारी चेकिंग हो रही है। तो बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल का सामना करना पड़ा, मतलब जो फैमिली के साथ था ना उसको कुछ नहीं बोले थे जो। अच्छा मैंने क्या क्या कि वैसे पैंट शर्ट पहन के ना फिर शायद थोड़ा आपकी पैंट पर्सनैलिटी थोड़ी सी बढ़ती है, इस पर मैंने बोला कि शलवार कमीज पहन के जाता हूँ कि थोड़ा अपने मुल्क होते हो। लेकिन ये बात वाकई सच है कि जब जब भी मैं शलवार कमीज पहन के ना दो बार पहन के आया तो तब तब मुझे ना इन लोगों ने मुश्किल, पैंट शर्ट वालों को फिर भी ना काफ़ी लोगों को ना बीच में छोड़ देते। तो इससे अपने वो बोलते हैं पंजाबी टाल या फिर बोलते हैं पश्तून टाल, पता नहीं क्या मसला क्या हुआ इन लोगों ने। अभी मैंने बोला मैं पंजाबी भी नहीं हूँ, मैं जो ना वो क्या बोलते हैं पश्तून भी नहीं, मैं बोला सिंधी हूँ, बोलते हैं जो भी है आज तो खैर भाई वो मतलब सबको ही इमिग्रेशन के चक्कर लगाने पड़े। तो बहुत मुश्किल से पहुँचे भाई यहाँ पर फर्स्ट टाइम, मतलब वो एक तो उनकी तरफ से भी ठीक है ना, क्योंकि लोग जो इतना गन कर रहे हैं स्मगलिंग को, मतलब पेट में ना काफ़ी लोग पेटों में ना गोलियाँ कैप्सूल खा के आते हैं फिर यहाँ पर निकालते हैं, तो इस वजह से थोड़े मसले बने। खैर जैसे कैसे करते हम लोग पहुँच गए हैं, बाकी जो ना मुश्किल का बहुत सामना करना। उसके बाद जो ना गए अभी जो ना मुझसे चला नहीं जा रहा, मैं इतनी देर ना तकरीबन सुबह 6-7 बजे निकले थे घर से, फिर 1.5-2 घंटे इमिग्रेशन में लग गए, फिर उसके बाद एयरलाइन भी 1.5 घंटा लेट थी और 5.5-5 घंटे लग गए वो जहाज़ को मतलब फ्लाई जब की उसने यहाँ पर, फिर आगे से भी तो बहुत इतना टाइम लगे कि अभी जो ना मेरी टांगों में ना यहाँ पर ना दर्द हो रहा है इन साइडों पर मुझसे ना, मतलब ऐसे वो चला नहीं जा रहा। तो कोई गोलियां लूंगा अब तो मतलब इस घर से ना मतलब बाहर तक नहीं जा सकता, इतना गंदा सीन हुआ मेरे साथ। तो खैर अभी जो नहा धो के फ्रेश होकर बैठा हूँ, अल्लाह करेगा सुबह ठीक हो जाऊँगा, फिर जो ना मैं हरम तक चल के जाऊँगा और नमाज इंशाल्लाह कोशिश करूँगा फजर की नमाज वहाँ पर जाकर पढ़ूँ। और अभी जो ना मैं सोता हूँ, वीडियो एंड करने की कोशिश करूँ अगर हो जाए तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल जो ना मैं आपको अपने रूम का टूर भी दे दूँगा, ये भी मेरे रूम में, खैर इसको जो ना अभी नहीं कल दिखा बोलूँगा। तो बस इसी के साथ गाइस वीडियो एंड करते हैं, दुआ में याद रखिएगा। बाकी काफ़ी लोगों के भाई कमेंट थे कि भाई हमारे दुआ करना, जितने भी लोग थे अभी मैं फारिग जब बैठा था एयरलाइन में तो सब पढ़ रहा था क्योंकि नेट वगैरह जो ना वहाँ पर आ रहा था, एयरपोर्ट पर भी चल रहा था, तो कॉमेंट वगैरह मैंने सबके रीड किए हैं। बाकी इंशाल्लाह सुबह नेट की सिम भी लेनी है, अभी जो ना चाचा लोगों से कनेक्ट किया हुआ है तो सुबह मुझे अपनी नेट वाली सिम भी लेनी है, सब कुछ करना है। तो खैर बाकी जो भी है सब सुबह ही होगा, आप सबके लिए दुआ भी इंशाल्लाह जाके कर दूंगा मैं हर्रम में, और आप सब भी मेरे दुआ कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।